माता की हम क्या चाहते हैं ते हैं। विमल खजूरिया है, मैं भी धर्मार्थ ट्रस्ट का एक पुजारी हूं जो 20-22 साल से इस धर्मार्थ ट्रस्ट में कार्य कर रहा हूं। मित्रों, किसी को भी शौक नहीं होता है सड़कों में उतर के अपना प्रदर्शन करना या अपनी बेइज्जती करवाना। हम धोती वाले लोग हैं, सड़क में हमें उचित नहीं लगता है हम सड़क में उतरें, लेकिन हमने इनको 20-25 साल हो गए जगाते जगाते, इनकी नींद नहीं खुल रही है। आज हम थक हार के गवर्नर साहब से प्रार्थना करने आए हैं, महोदय जी आप हमारी बात सुने और हमें न्याय दिलाएं। हम धर्मार्थ के जितने भी पुजारी हैं, कर्मचारी हैं, हम आपके पास उपेक्षा लेके आए हैं, इसका श्राइन बोर्ड बनाया जाए और हमारे जो धर्मार्थ में जो इस समय घोटाले हो रहे हैं इनकी सीबीआई इंक्वायरी करवा जाए। हमें कोई भी संकोच नहीं है, हम थक हार चुके हैं। हमारे मुलाजमों की तनख्वाह क्या है आपको पता होना चाहिए, 60-80 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं। 2000 से ये तनख्वाह देना शुरू किए, लड़ लड़ के इन्होंने 8000 तक या 9000 10 हज़ार के बीच तनख्वाह है। जो पैराशूट लोग मुलाजम हैं ऊपर से आते हैं 20000 रुपया तनख्वाह देते हैं। बताए उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो कौन से बॉर्डर में जंग लड़ रहे हैं, वो काम हम भी कर सकते हैं। महोदय जी हम आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवासियों को यह विशेष अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी मांग पर सुनवाई की जाए और इसको श्राइन बोर्ड किया जाए। हम क्या चाहते हैं।